रास्ते में भी मैंने बात किया, जब मैं वहां पहुंचा तब वो फिर वहां देर सवेर करने लगे, वो तब तक वहां उसकी सांसें उखड़ने लगी थी और वो एम्बुलेंस हमने कहा जल्दी वो करिए, तो इस कारण से वहां दिक्कत हुई। लखनऊ के पीजीआई में इलाज नहीं मिलने से पूर्व बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की मौत का मामला जैसे ही तूल पकड़ने लगा, बीजेपी ने अपने डैमेज कंट्रोल में लग गई, जिसको लेकर खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूर्व बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद के आवास शोक जताने पहुंच गए, क्योंकि मामले को लेकर सियासत तेजी से गर्मा रही है। ऐसे में बीजेपी भी आगामी चुनाव को देखते हुए किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहती, जिसको लेकर बीजेपी एहतियातन मामले में डैमेज कंट्रोल में लग गई। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर डॉक्टरों पर कार्रवाई की जानकारी दी थी। मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मामले में उच्च स्तरीय जाँच के साथ लापरवाह डॉक्टरों पर कठोर कार्रवाई की बात कही। मतलब इलाज के अभाव में या भर्ती नहीं होने के कारण से किसी भी वजह से नहीं रहे, उस पर मैं अपनी ओर से भी पार्टी की ओर से भी सरकार की ओर से शोक व्यक्त करने के लिए आया हूँ। और जो इस घटना की दृष्टि से लापरवाह लोग हैं उसकी जाँच कराएं और उसकी जाँच करके कठोर कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को जमकर घेरने में लगी है। सपा ने यूपी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सपा नेता बोले, पूर्व सांसद के बेटे को इलाज नहीं मिल पा रहा तो आम जनता का क्या हाल होगा। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बटे स्वास्थ्य मंत्री बटे प्रचार मंत्री स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा देख रहे हो और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूर्व सांसद के पुत्र को पीजीआई में डॉक्टर में हाथ लगाने से मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गिड़गिड़ाते रहे, डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़कर विनती करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और डॉक्टरों ने देखा तक नहीं और उनके पुत्र का दुखद निधन हो गया। यह हाल है भारतीय जनता पार्टी की स्वास्थ्य सेवाओं का, यह हाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का। माननीय मुख्यमंत्री बटे स्वास्थ्य मंत्री बटे प्रचार मंत्री जी, ध्यान दीजिए विभाग पर। बता दें कि पूर्व बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे प्रकाश मिश्रा को किडनी की समस्या के चलते SGPGI में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन आरोप है कि इलाज में देरी के चलते उनके बेटे का निधन हो गया। बताया जा रहा है बेटे के निधन के बाद पूर्व बीजेपी सांसद धरने पर बैठ गए थे, लेकिन बाद में कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया।